Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve some critical reasoning questions which happened to be asked in ZAT 2023. Okay. If you haven't gone through my video on the ZAT verbal pattern, which I uploaded a few days before prior to posting this video, please go through those. In that, I've explained the different approximately 6-7 question categories which are asked in the VALR section of ZAT traditionally from the past 2-3 years. अगर आप ये वीडियो 2023 के बाद में देख रहे हो आफ्टर दैट 24 हैज हैपेंड मे बी देयर इज अ चेंज इन द क्वेश्चन कैटेगरीज एंड ऑल द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू बी मेकिंग राइट नाउ एंड द वंस दैट आई हैव मेड ऑलरेडी दे आर द वंस कीपिंग इन माइंड द पैटर्न व्हिच वाज देयर इन 21 22 एंड 23 तो पैटर्न ये है कि इन दैट एग्जाम यू हैव अबाउट 5 क्वेश्चन जो क्रिटिकल रीजनिंग के पूछे जाते हैं वो किस तरह दिखते हैं तो इट इज समथिंग लाइक दिस ठीक है You have a question in the form of a short paragraph or something asked like this, and at the end there is a question followed by 5 options. It's not an RC passage. It's not any vocab or grammar based questions. Okay. So as usual, I have put the timestamps at different stages for the 5 questions that we are going to solve in this video. I would recommend that you jump to those timestamps, jot down the answers, and then come back to the starting point of each to go through the explanation. Or if you are chill enough. तो पैरेलल में भी आप सॉल्व कर सकते हो इट्स टोटली अप टू यू विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट ठीक है ऑल राइट सो व्हाट इज आस्क्ड ओवर हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई तो कंपनी है उसकी लीव पॉलिसी को लेकर कुछ बातचीत हो रही है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप मैनेजमेंट लोग बॉस लोग जो होते हैं और वर्कर्स लीव पॉलिसी जो भी होगी पकड़ के चलो शायद साल में 15 दिन लीव मिलेगा इतना नहीं मिलेगा ये मिलेगा ब्ला ब्ला व्हाटएवर एक तो वर्कर्स नाराज रहेंगे या फिर मैनेजमेंट नाराज बट दोनों में से एक का नाराज रहना तो फिक्स है बॉस ओके दोनों खुश नो नॉट हैपनिंग ब्रो एक को तो नाराजी रहना ही है एक को तो रूठना ही है समथिंग लाइक यू नो शादी में फूफा जी लोग होते हैं राइट एक फूफा होता ही है जो नाराजी बैठा होता है कॉर्नर समथिंग लाइक दैट ठीक है चल नाराज तो नाराज अब क्या करें तो स्टेप टू एंड थ्री आउटलाइन व्हाट नीड्स टू बी डन जब जो कोई एक ग्रुप अगर नाराज होकर बैठा है तो अगर मैनेजमेंट नाराज है बॉस लोग तो भैया लीव पॉलिसी को आप मॉडिफाई करो ठीक है जो भी उसके एग्जिस्टिंग प्रोविजंस होंगे थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे करके काम जमा लो यार ठीक है ऑल राइट लेकिन अगर वर्कर्स नाराज होकर बैठे हैं तो बड़े खतरे की बात है इमीडिएटली डंप द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड कम अप विद अ न्यू वन ओके सो फ्रॉम दिस इट इज वेरी क्लियर दैट शायद प्रायोरिटी ज्यादा वर्कर्स को दी जा रही है यहाँ पे एंड द क्वेश्चन नाउ आस्क्ड इज अगर ये स्टेटमेंट 1, 2, 3 सत्य है तो What must also be true? ये वर्डिंग को आपको ध्यान से देखना है इट इज ऑल्सो हाईलाइटेड इन कैप्स होना ही होना चाहिए ठीक है वी आर नॉट लुकिंग एट अ प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो वी आर नॉट लुकिंग फॉर 100% गारंटी वाला सिनेरियो ठीक है जी चलो देखते हैं एक एक करके ऑप्शन इवैल्यूएट करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन विल गिव यू द राइट आंसर वेरी वेरी क्विक ठीक है चलो पार्डन ओके तो ऑप्शन ए के ऊपर में आते हैं We should attempt to popularize the leave policy among either the management या फिर worker. Wait a minute, what? क्या कहता है ये भाई कोशिश करो पॉपुलर करने की एक ग्रुप रूठने वाला है ये हम जानते हैं एक ग्रुप हमेशा रूठा हुआ रहेगा पकड़ के चलो वर्कर से तो ऑप्शन ए से इसीलिए अब चलो यार तुम मैनेजमेंट को ना खुश करने के लिए काम पे लगता है वेट अ मिनट वाई वुड आई डू दैट ठीक है जरूरी क्या है जबरदस्ती क्या है कर सकते हैं किया भी जा सकता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग सो आई एम यू नो नॉट हैप्पी विद दिस वर्ड शुड अटेम्प्ट ओवर हियर ठीक है दिस इज नॉट एट ऑल ओके दिस इज क्रिएटिंग एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन जो फिट नहीं बैठता अगर वहां पे हो जाता था कि यू नो वी कैन अटेम्प्ट टू पॉपुलराइज द लीव पॉलिसी या फिर वी माइट अटेम्प्ट तो फिर बात हो सकती थी शुड इज वे टू स्ट्रॉन्ग क्रिएट्स एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन विच डज नॉट फिट इन विद द स्कीम हियर हेंस टाटा बाय बाय ठीक है चलो ऑप्शन बी एंड डी आर काइंड ऑफ इन द सेम कैटेगरी इन द सेंस कि ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं कि भैया लीव पॉलिसी को मॉडिफाई कब होनी चाहिए ओनली इफ अच्छा ठीक है ओनली इफ चलेगा कब एक तो पॉपुलैरिटी रिड्यूस हो रही है वर्कर्स में या फिर मैनेजमेंट ये क्या पैरामीटर आ गया बॉस रिड्यूस पॉपुलैरिटी नो व्हाट द गिवन इंफॉर्मेशन इज आउटलाइनिंग इज आइदर द पॉपुलर यू नो आइदर द पॉलिसी इज पॉपुलर और द पॉलिसी इज अनपॉपुलर केस क्लोज ऐसा कोई रेंज बाउंड नहीं है कुछ भी कि अच्छा अभी ये पॉलिसी ना 50 रेटिंग पे पॉपुलैरिटी पे बैठा है फिर 40 है फिर 30 है नो
इट्स बाइनरी, वेरी वेरी बाइनरी, 0 या 1, 0 नहीं पसंद, 1 पसंद है, केस खत्म। बट बी एंड डी आर लाइक भाई रिड्यूस ना हो जाए यार पॉपुलरिटी तो ही मॉडिफाई करो। अरे ये क्या है, ये क्या नई बातें शुरू हो गई, एब्सोल्यूटली आउट ऑफ स्कोप, बाय बाय। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन ई के ऊपर। ये तो एग्जैक्ट अपोजिट जा रहा है बॉस स्टेटमेंट 3 के। क्या कहता है स्टेटमेंट 3? न्यू पॉलिसी तब अडॉप्ट करो अगर वर्कर्स को पसंद नहीं आई। एंड वॉट इज बींग टॉक्ट अबाउट इन ऑप्शन ई, इफ द लीव पॉलिसी इज पॉपुलर अमंग वर्कर्स तो फिर न्यू पॉलिसी लेके आ जाओ। भाई पागल हो गए हो? एब्सोल्यूटली नॉट, गोइंग अपोजिट टू गिवन इंफॉर्मेशन, एंड हेंस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर बिकम्स थर्ड ऑप्शन। बहुत ही सीधी सी बात है, क्या बोला है? इफ द लीव पॉलिसी इज पॉपुलर विद द मैनेजमेंट। अरे वाह, मैनेजमेंट खुश है, पक्की पक्की बात है, नाराज कौन रहेगा? वर्कर्स। मतलब चेंज द फर्स्ट हाफ ऑफ ऑप्शन सी टू रिफ्लेक्ट वर्कर्स नाराज है तो क्या, देन वी शुड अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी। डेफिनेटली दिस इज जस्ट रीस्टेटिंग व्हाट इज गिवन इन सेंटेंस नंबर 3, एंड हेंस इट इज द आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी ने कोई कोई यू नो इन्फरेंस वाला काम नहीं किया है, कोई ब्रॉड रॉकेट साइंस नहीं लगाया होगा, स्टेटमेंट 3 को हल्का सा ट्वीक करके आपके सामने काम खत्म। ठीक है, तो आई होप दैट एवरीबडी गॉट दिस करेक्ट, बेयरली एनी यू नो माइंड ट्विस्ट हैपनिंग ओवर हियर, वेरी इजी, वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। दैट इज व्हाई टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि जैट में इस तरह के सीआर क्वेश्चंस आते हैं तो मत छोड़ो, आराम से जम जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। ऑब्वियसली एज यू कैन सी थोड़ा मैसिव पैराग्राफ है यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस, आई वोंट बोर यू विद एवरी सिंगल यू नो डेटा पीस जो जो दिया है। ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद नेम्स लाइक हार्वर्ड ऑल्सो कमिंग इन, टू डॉक्टर्स वर्किंग इन यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर हफिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम, ब्ला 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 ब्ला, और कंपनीज के भी नाम आ गए, एक्सेंचर, डेलॉइट। ठीक है, तो थ्रू आउट ऑल दिस नैरेटिव वन कॉमन थ्रेड दैट कम्स आउट इज आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े स्केल पर यूज होता है। ठीक है, नो मैटर हाउ ओल्ड द ऑर्गेनाइजेशन, द फर्म, द कंपनी, वॉट एवर इज, इट इज नॉट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ यू नो टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट। हार्वर्ड जैसा एक कॉलेज भी आप ले लो तो इतना पुराना कॉलेज है, ऑलमोस्ट 400 साल पुराना, बट जितने बच्चे इनके इतने सालों में उनको नहीं मिले उससे ज्यादा 1 साल में ऑनलाइन कोर्स के लिए मिल गए। माइंड ब्लोइंग। ओके, यस यस यस, एंड यही बात आगे बहुत अलग अलग सिनारियोज में एलाबरेट की गई कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक ऑप्शन इवैल्यूएट। रिजेक्शन वाला हम पहले एटीट्यूड रखेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ परफेक्ट ऑप्शन लेट सी परफेक्टली हॉरिबल ऑप्शन। ऑप्शन बी गेट्स किक्ड आउट इमीडिएटली, व्हाट डज इट से? ऑटोमेशन इज टेकिंग अवे जॉब्स विच आर ट्रेडिशनली डन बाई ह्यूमंस। कहाँ लिखा है भाई ऐसा? ऑटोमेशन का मतलब भाई रोबोट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है वगैरह वगैरह, एंड ह्यूमंस अब नो लॉन्गर इन दोज जॉब्स। नो वेयर गिवन कि ह्यूमन बींग्स हैव बीन रिप्लेस बाय मशीन्स और टेक्नोलॉजी इन एनी इंडस्ट्री, नॉट एट ऑल। बाय बाय, बी इज आउट। ठीक है, डी इज ऑल्सो हॉरिबल, वॉट डज इट से? हाउ ओल्ड फॉर्म्स आर डाइंग। कितना हॉरिबल जनरलाइजेशन हुआ है, ओल्ड फॉर्म्स। हमारे पास में कितने ओल्ड फॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे? फॉर्म्स मतलब कंपनीज, यहाँ पे यू कैन ओनली सी वी आर बीइंग टॉक्ड अबाउट यू नो डेलॉयट की बात कर रहे हैं। डेलॉयट इज अ प्रैक्टिस 170 ईयर्स हो, और ज्यादा से ज्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स विच इज लाइक 164 ईयर्स ओल्ड, दैट्स इट। हार्वर्ड को फर्म नहीं बोल सकते, इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, तो यूनिवर्सिटी ये हम काउंट नहीं करेंगे। चलो एक बार का इस फर्म ओल्ड फर्म को भी हमने डिस्काउंट कर दिया, इस जनरलाइजेशन को भी नहीं ध्यान दिया, बट ये क्या बात कर रहे हैं, दे आर डाइंग। वेट अ मिनट, इज डेलॉयट डाइंग? एब्सोल्यूटली नॉट, 2 लाख लोग हैं भाई उसके यहाँ पे काम करने वाले, 7 लाख स्क्वायर फुट कैंपस, होली शिट, मैसिव। इफ दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड सर्वाइवल, आई डोंट नो व्हाट इज ऑप्शन डू डी डूइंग हियर। हट आउट। ई इसी का भाई बंधु है, व्हाट ओल्ड फर्म्स कैन डू टू सर्वाइव। यार ये भी कैसी बात होगी, ओल्ड फर्म्स भाई तुम मर जाओगे, मरना नहीं है इसलिए ये काम कर लो, आ दिया है। ओके, नोवेयर इज द ऑथर रिकमेंडिंग दैट ओल्ड फर्म्स यू नो ओल्ड फर्म्स शुड डू स्टेप 1 2 3 4 5 जिंदा बचने के लिए, अदरवाइज मैं मार दूंगा। नोवेयर गिवन, कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, ऑप्शन सी ऑल्सो इन लाइन विद ऑप्शन बी वंस अगेन, हाउ प्रोफेशनल्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाई टेक्नोलॉजी। ओ यार रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग। अभी पढ़ने के बाद में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज गिवन ओवर हियर की यू नो
पीपल वर विजिटिंग दिस वेब एम डी वेबसाइट इतने ज्यादा मात्रा में दैन देर वर विजिट्स टू एक्चुअल डॉक्टर्स। बट इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि ये वेब एम डी ने रिप्लेस कर दिया डॉक्टर्स। नो, इट्स लाइक पीपल यूजिंग दिस न्यू प्लेटफॉर्म ऑल्सो एंड मे बी दे आर ऑल्सो गोइंग अलॉन्ग साइड इन पैरल टू द डॉक्टर्स एज। द ओनली थिंग सरप्राइजिंग इज थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा है वेब एम डी के पास, ठीक है? तो रिप्लेसमेंट वाला गेम कहीं पर भी हो नहीं रहा है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी इज ऑल्सो वेरी हॉरिबल। बाय बाय। तो बचता क्या है, बट नेचुरली ऑप्शन ए इज फेयरली गुड, फेयरली गुड, ऑल्दो नॉट वेरी अट्रैक्टिव अपॉन फर्स्ट रीड, बट एज यू कैन सी ऑप्शन एलिमिनेशन हेल्प्स अस अराइव एट ऑप्शन ए, हाउ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स आर इमर्जिंग गुड। इस क्योंकि पैराग्राफ में जो भी बातें बोली है आज की तारीख में, कि इस साल क्या हुआ या फिर अभी क्या चल रहा है। गुड, करेक्ट, हार्वर्ड के पिछले साल, बाप रे, ऑनलाइन कोर्सेज में कितने सारे लोग आ गए पिछले साल, टैक्सेस इंडिपेंडेंटली लोगों ने फाइल किया ऑनलाइन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेटेस्ट लेटेस्ट वाली खबरें चल रही है, एंड नो वेयर इज ऑप्शन ए इम्प्लाइंग कि ये मर रहा है या ये जिंदा हो रहा है, ये खत्म हो जाएंगे, वो रिप्लेस हो जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल, इट्स जस्ट सेइंग न्यू फॉर्म्स दे आर इमर्जिंग। एकदम सही बात है, क्या गलत है, नथिंग। दैट इज वाई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन ए बिकम्स द आंसर। आई होप आपका ये भी सही हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर में, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड पॉज, सॉल्व इट, जॉट डाउन द आंसर एट नाउ, लेट सी व्हाट द पैसेज। बहुत ही सीधा साधा सा है यार, एक बस घटिया काम कर दिया जिस इंसान ने भी ये नैरेटिव। क्या कहते हैं कि कोई तो एक कंट्री वाइज, ठीक है, उसमें जब इलेक्शन चलते हैं ना, चुनाव जब आते हैं, तो एक देखने मिला है कि यार लोगों के जो सर्चेस करते हैं ना इंटरनेट के ऊपर में, लोग डिप्रेशन रिलेटेड वो काफी होते हैं सर्च, गूगल सर्चेस पकड़ के चलो डिप्रेशन के, इन एंड अराउंड द इलेक्शन जब चुनाव चल रहे हैं उस देश में, ठीक है, काफी स्ट्रेंज सा ऑकरेंस बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या पकड़ा दिया ऑथर ने हमारे हाथ में, वो देखिए कि भाई इलेक्शन की वजह से डिप्रेशन बढ़ रहा है जनता में। अरे यार, ये तो हद हो गई, पोटेंशियली डिप्रेशन है कि कंट्री वाई में चुनाव जो हो रहे हैं, द इलेक्शन दे आर कॉजिंग द डिप्रेशन स्पाइक्स, ठीक है? सो व्हाट इज गिवन टू अस, वी आर गिवन अ कोरिलेशन बिटवीन इलेक्शंस एंड डिप्रेशन के सर्चेस बोल सकते हो, डिप्रेशन रिलेटेड सर्च, ऑनलाइन सर्चेस, ठीक है? एंड व्हाट द ऑथर इज डूइंग इज, ऑथर इज यू नो डंपिंग अ कॉजल रिलेशन, ही इज डंपिंग अ कॉजेशन दैट इलेक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री वाई होती है बाय द वे, इलेक्शंस आर कॉजिंग यू नो डिप्रेशन, ठीक है? एंड नाउ योर जॉब इज टू फिगर आउट मोस्ट सीरियसली वीकन द कंक्लूजन ड्रॉन इन द पैसेज। सो बहुत ही क्लियर कट है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉजेशन कोरिलेशन फैलेसी, दैट वॉट एवर यू आर गिवन अ कोरिलेशन एंड ऑथर इज गोइंग वे बियॉन्ड हिज लिमिट्स एंड प्रोमोटिंग इट टू अ कॉजेशन। ये एरो लाइन को मैं कोशिश करता हूँ बोलने की, कॉजेशन। तो आपका काम है इस एरो लाइन को ब्रेक करने, ठीक है? वेन एवर वी फेस दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, कॉजेशन कोरिलेशन, प्लीज कीप इन माइंड कोरिलेशन को डैमेज करने की कोशिश करो, ये 99% ऑफ द टाइम पे एकदम सही रहता है। दिस इज द प्रेमिस ऑफ द आर्गुमेंट कि नहीं भाई, दोनों चीजों में एक संबंध तो दिख रहा है कि जब जब चुनाव हुए हैं देश में, तब तब डिप्रेशन रिलेटेड सर्च बड़े हैं। ओके, ठीक है, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन हमारा हमला कहाँ रहेगा, बिल्कुल नहीं बोलना कि इलेक्शंस की वजह से डिप्रेशन। ओके, एंड दैट इज ऑफ कोर्स योर जॉब हियर, सीरियसली वीकन दिस कॉजल, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन से ऑप्शंस पहले तो एलिमिनेट होंगे, आउट ऑफ स्कोप वाले तो पहले एलिमिनेट होते हैं, लाइक ऑप्शन डी। ये क्या बात कर रहे हैं भाई, कंट्री एक्स, हमें क्या लेन देन, हमें तो कंट्री वाई से बातचीत है, ठीक है? तो चलो यार भाई, बाहर में जाओ, एक्स कंट्री एक्स में कितने लोग इंटरनेट यूज करते और नहीं करते, मुझे कोई लेन। नेक्स्ट ऑप्शन ए, दिस इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज, यू नो इन सम कंट्रीज इलेक्शन तो भाई एक क्या कहेंगे ना, फेस्टिवल है, मजे लेते हैं लोग उस चीज का, लेते होंगे यार, मेरे कंट्री वाई में लोड लेते हैं लोग, डिप्रेशन आ जाता है बेचारों, ठीक है, जाने कोई बात, ए और डी को तो हमने भगा दिया। चलो अब आगे, ऑप्शन बी और सी अच्छे नहीं, अच्छे इन द सेंस दे आर नॉट हेल्पिंग अस वीकन इट, रादर ऑप्शन सी तो स्ट्रेंथन करता हुआ दिख रहा है कि डिप्रेशन रिलेटेड एड्स जो है वो बढ़ जाती है,
ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इलेक्शन इन दैट कंट्री वाई। अगर एड बढ़ रही है मतलब कहीं ना कहीं एड क्रिएट करने वालों को शायद बिजनेस ज्यादा दिख रहा होगा इसलिए तो कर रहे हैं, और अगर बिजनेस दिख रहा है ज्यादा इसका मतलब पीपल आर अफ्लिक्टेड विद डिप्रेशन। तो कहीं ना कहीं इवन दो नॉट डायरेक्टली सुपर सॉलिडली सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट बट वीकन तो डेफिनेटली नहीं कर रहे, माइल्डली स्ट्रेंथनिंग। सेम गोज फॉर बी, एक सर्वे किया गया जिसके अंदर में क्लियर कट दिख रहा है दैट इलेक्शन कैन कॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिप्रेशन। क्लियर कट कॉजल लिंक बिल्ड करता हुआ एक सर्वे किया गया। तो बी और सी दोनों भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को एंड हेंस वी कैन नॉट सिलेक्ट देम, दे आर स्ट्रेंथनिंग बट आवर जॉब इज टू वीकन। ओके बॉस, तो आंसर बट नेचुरली क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन सी। बहुत ही मजेदार ऑप्शन है, क्या कहता है डूड रुको क्या हुआ है, व्हाट इज योर कोरिलेशन। द कोरिलेशन इज कि भैया जब जब चुनाव हुए तब तब इंटरनेट पे सर्चेस बढ़े हैं डिप्रेशन। अच्छा ठीक ठीक बढ़े हो, नॉट डिनाइंग। ओके बेटा जाके बाजार में देखो जो दवाइयां है डिप्रेशन की बिक्री तो उतनी है बॉस। अगर डिप्रेशन सच में बड़ा होता, इलेक्शंस ने अगर लोगों को और डिप्रेशन दिया होता, एज यू आर यूजिंग द वर्ड डिप्रेशनोजेनिक विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो दवाइयां भी तो बढ़ती थी। ठीक है, लोग अभी बीमार हुए बेचारे तो दवा तो लेंगे, लेकिन दवा तो बिक नहीं रही है। सेम टू सेम सेल है पूरे साल में इन द कंट्री बाय, विच इज वेरी गुड रीबटल टू द आर्ग्यूमेंट विच द ऑथर हैज प्रेजेंटेड बिफोर अस एंड हेंस बिकम्स द आंसर। ओके सो यस, टू कीप कीप अनदर थिंग इन माइंड कि स्ट्रेंथ एंड वीकन में ना बाहर का न्यू ज्ञान कम्स इन टू द पिक्चर। ओके, न्यू एंड रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स इन द पिक्चर विच हेल्प्स यू फिगर आउट द राइट आंसर। ठीक है, रादर दैट दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज द आंसर अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर आपके मन में ये बात आता है, ये डाउट अगर आ रहा होगा कि यार ये क्या है, ये किसने बोल दिया दवाई रिलेटेड, इसका क्या लेन देन है, नहीं यू कैन नॉट थिंक लाइक दैट कि दवा की तो कोई बात ही नहीं की है पैराग्राफ में, फिर ये आंसर कैसे बन गया, वी आर क्लूलेस एंड ऑल। प्लीज कीप इन माइंड स्ट्रेंथ एंड वीकन क्वेश्चंस में न्यू रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली कम्स इन द पिक्चर। बहुत कम बार ऐसा होगा कि गिवन इंफॉर्मेशन जो है पैसेज की वही हमने फिर से घिसी पिटी यूज करके ऑप्शन में रख दी और वो आंसर ऑप्शन बन गया स्ट्रेंथ एंड वीकन। नो, क्योंकि फंडामेंटली रिक्वायरमेंट क्या होता है स्ट्रेंथ एंड वीकन क्वेश्चंस का, कि भाई देखो ऑथर ने तो अपनी बात रखी, उसने कुछ प्रेमिसेस यूज किए, उसके दम पे ही इज गिविंग यू सम कंक्लूजंस। अब आपका काम है उसको एक तो मजबूत करना या उसको और तोड़ देना। तो कैसे करोगे आप, आपको बाहर की जनता लानी ही पड़ेगी, बिल्डिंग खड़ी करनी है या बिल्डिंग गिरानी है, दोनों के लिए बाहर के पंटर लगते हैं। सेम थिंग फॉर स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, बिल्डिंग के ही लोगों से आप बनवा नहीं सकते बड़ी बिल्डिंग या गिरा नहीं सकते उसे, आपको बाहर की जनता लगे। ठीक है, चलो आई होप दैट यू गॉट द आंसर टू दिस क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट्स। Still, if there are any lingering ones, let me know in the comment section. And now let's go solve this. बड़ा ही शॉर्ट पैराग्राफ, पढ़ते पढ़ते मजा आ ही रहा होता है कि रुक जाता है पैराग्राफ खत्म। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है भैया, मीनिंगफुल कंक्लूजन बता दो यार। अच्छा जी ठीक है, कंक्लूजन चाहिए आपको, स्ट्रेंथन वीकन नहीं है। ओके, मोस्ट मीनिंगफुल बात क्या की गई है पैराग्राफ, हमारी जो जनरेशन है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर संबंध बनाने की कोशिश कर, अगर डायरेक्टली मिल नहीं पाते हैं तो हम फेस टाइम करते हैं। फेस टाइम इज नथिंग बट हमारा व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, तो वैसा फेस टाइम बोलते हैं भाई वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, तो डोज डिनाइड फेस टू फेस टाइम, मतलब पर्सनली मिले नहीं हो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम फेस टाइम कर लेंगे एक दूसरे के साथ में, वीडियो कॉल कर लेंगे। ओके, और थ्रू मेजर्स लाइक दिस वी ट्राई टू सेल द नैरेटिव आउट देयर इन द वर्ल्ड इट इज ओके। हम इंटरनेट का, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर संबंध रिश्ते बनाए रख रहे हैं एंड इट इज ओके। हर बार वी कैन नॉट बी श्योर, दो इनफैक्ट वी आर नॉट ऑलवेज श्योर, पर ठीक है सहायता ली जा रही है। ठीक है ऑल राइट, एंड टेक्नोलॉजी का अलग अलग इंसान अलग अलग तरीकों से यूज कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ अस अप्लाई वेरी वेल टू इनोवेशन, समटाइम्स आर फैमिली इज ऑल्सो रिलाई ऑन अस कि भाई चलो यार टेक्नोलॉजी का यूज करके जिंदगी में कुछ कर लो, कुछ बन जाओ वगैरह वगैरह। ठीक है देखते हैं, एक्चुअली द पैराग्राफ इज नॉट यू नो परफेक्टली वर्डेड या फिर कंप्लीटली वेल राउंडेड। स्टोरी क्या है इसका, जो मेन सेंट्रल थ्रेड है दैट इज नॉट इमर्जिंग वेरी क्लियर।
ऑप्शन एलिमिनेशन लगाते हैं और टोन के दम पे थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। इफ यू रीड द पैराग्राफ क्लोजली, कहीं पर भी बहुत हार्श क्रिटिकल निगेटिव टोन नहीं ली, माइल्डली पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान से पढ़ो कि भाई टेक्नोलॉजी के दम पे वी आर नॉट रिप्लेसिंग रियल रिलेशनशिप्स बट टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स, अगर फिजिकल टाइम नहीं दे पा रहे एक्चुअली वन ऑन। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन बी बात करें, पैंडेमिक एज इंक्रीज, भैया यार कोरोना हर जगह मत घुसाएगा, बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये, पैंडेमिक का क्या लेन देन पैराग्राफ में, भागो हट। ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी इज डिस्ट्रॉइंग फैमिलीज, ओहो भाई साहब आउट, कितना निगेटिव, क्या है क्या है ये, क्या है ये, नॉट अलाउड। ओके ऑप्शन ई, तो भाई ये फिलोसॉफी की रेंज में चले गए यार, चेंज इन द ऑर्डिनरी कॉन्स्टेंट इन लाइफ, आई एम रिमाइंडेड ऑफ भगवद गीता का स्टेटमेंट यार, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ओ भाई साहब, इसलिए पीपल मस्ट एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, ज्यादा हो गया आउट। बचता है ए और बी, तो दोनों भी पढ़ने के बाद में ठीक लगते हैं बट ऑप्शन ए में गलती हो गई, इट इज फिक्सेटिंग ओनली ऑन वर्क, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेल्प सोसाइटी डिराइव मीनिंग, यहां तक एकदम अच्छा था बट जैसे ही फ्रॉम वर्क बोल दिया उसने, ये फोकस कहीं और लेकर चले गया, क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी इन द पैराग्राफ वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट वर्क बट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स, फैमिली बॉन्ड, सोशल बॉन्ड ऑल्सो विच डू नॉट फॉल अंडर दिस एम्बिट बी। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑप्शन ए, चलो बाय बाय टाटा, बचता है ऑप्शन डी विच इज द ऑफिशियल आंसर, टेक्नोलॉजिकल यूजेज हैज चेंज सोशल रिलेशन फॉर दिस जनरेशन, करेक्ट, यहाँ पर शुरुआत ही वैसे हुई थी कि हमारी पीढ़ी हम क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो विद दैट आई होप दैट यू गॉट दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा वेक था ये, नॉट एज होलसम, नॉट एज वेल राउंडेड लॉजिकली एज कंपेयर टू द अदर थ्री दैट वी सॉल्व, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना लोड नहीं लेते, एक एक मार्क ऐसे गैदर करते करते हमें तो काम करना है आगे भागे। चलो लास्ट क्वेश्चन नाउ, बहुत ही लेम, बहुत ही लेम, क्या पूछा गया है, पैराग्राफ बोलता है देखो, एटम रहो, मॉलिक्यूल रहो या पूरा ब्रह्मांड रहो लार्ज स्केल पे, सेम सेट ऑफ लॉज गवर्न करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल लॉज विच अंडरपिन रियलिटी, नो एडिशनल लॉज एंड फोर्सेस रिक्वायर्ड, द सेम लॉज गवर्न लिटरली एवरीथिंग, मतलब इसे खुद ने ये वर्ड्स, तो द ऑथर इज सो डिटर्मिनिस्टिक एंड सो यू नो मैसिव क्लैरिटी इन व्हाट ही वांट्स टू से, कोई डाउट नहीं है उसके मन में, वो कहता है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी लॉज गवर्न करते हैं ये पूरी रेंज ऑफ एग्जिस्टेंस को सेम, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट, तो विच वन इज द आंसर विच रिफ्लेक्ट दिस आंसर, ऑप्शन सी, फंडामेंटल लॉज ऑपरेटिंग इन यूनिवर्स एंड इन एन एटम आर द सेम, खत्म, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, अदर ऑप्शन बेमतलब के खुद के मन से एक्स्ट्रा के क्वालिफायर्स लेके आ रहे, कैसे, ऑप्शन ए देखो, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फंडामेंटली ऑकर रैंडमली, ये कहता है स्पॉन्टेनियसली, भाई ज्यादा हो गया ना, कब हो रहा है, रैंडमली चल रहा है या देर इज अ सर्टन कॉज एट वर्क और नॉट, क्यों क्यों इतनी हद पार बातें करनी है, रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन बी तो बहुत ज्यादा ही अपोजिट जा रहा है विद द ऑथर इज सेइंग, व्हाट इज ऑप्शन बी से, फंडामेंटल लॉज अंडरगो अ चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम एटम टू द यूनिवर्स, डेफिनेटली नॉट, रादर एग्जैक्ट अपोजिट, दैट द फंडामेंटल लॉज आर द सेम, लिटरली एवरीथिंग इज गवर्न सेम, तो दैट इज वाई ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर, ठीक है। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट रहता है, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड विद दिस आई होप दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया हो, सम पीपल हैव बिन वरिंग अ लॉट लेटली रिगार्डिंग दैट की क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, आई ट्राई टू मेक मोर एंड पोस्ट अ फ्यू मोर लाइक दिस, जितने भी मुझे मिलेंगे मैं सब कर दूंगा, बदले में आपको ठोकना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन, ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।